ये बक्सा आपका है ना, मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ, ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास, जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए, पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद, इस घर से निकल नहीं सकती मैं। और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे ही कहीं नहीं ले जा रही, मैं ऐसे यही छोड़ के जा रही हूँ। अभी रख लीजिए अपने पास। मेरे घर पर ब्लॉक नंबर 117B। लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहां। कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली, क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते। बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ, ये सुबह सुबह कौन आ गया। रामू, ये रामू कहाँ मर गया। भैया कहाँ रहते हो, रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए, अब मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है। हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं। वसीयत। मैं एडवोकेट विकराल हूं, यहां मैं इस वसीयत की निष्पादक की हैसियत से आया हूं। वसीयत, कैसी वसीयत, किसकी वसीयत। फलूषा जी की। फलूषा की वसीयत। पर ये कैसे हो सकता है, पिछले 5 साल से फलूषा का कोई पता नहीं और उससे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कहाँ है फलूषा। और आप दोनों आए कहां से, पहले तो कभी आपको देखा नहीं। I'm sure मामने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई होगी। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी चेक करा सकते,
दस्तखत और दस्तावेज दोनों असली है। इस वसीयत के मुताबिक मिसेस वलुशा ने अपनी पूरी जायदाद आप सबके नाम पर बराबर हिस्सों में बांटी है। बस एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये कुछ चीजें हैं जो आप सबको संभाल कर रखनी है अपने पास हमेशा। नवीन, ये तुम्हारे लिए। शाइना, ये तुम्हारे लिए। अभियांश, ये तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो मॉम की हैं। आप मिली हैं मॉम से? अब हम ये संभाल लेंगे। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? एक दोस्त समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है, वालो शायद ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, पता है ऑफ कोर्स, पार्टी तो बंदी है यार। तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखा है। अरे खुश क्यों ना हूँ, खुशी की ही तो बात है। अच्छा सुन, ये वसीयत वगैरह, गिफ्ट विफ्ट मिला, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, पर क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, सोचा भी नहीं था मम्मी हमारे लिए ये सब करके जाएगी। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, तू अभी फोन रख, पार्टी में ही मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। ओल्ड फैशन है। सारे ओल्ड हो रहे हैं, क्या करूं? हेलो, हाँ भैया। अरे शादी के लिए तैयार हो रही क्या इतना लेट तू? अरे पार्टी भी जा रहा है, मुझे लेट हो रहा है, क्लब बंद हो जाएगा, जल्दी आना तू। बस बस मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, कम फास्ट, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। मैं उस जगह कैद थी, लेकिन अब मैं रिहा हो गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस जगह पर
पैसा पैसा पैसा, सबको पैसे की पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। जैसे जैसे पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। और मम्मी की वसीयत आने के बाद सब बदल गए, मम्मी के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। और पापा, पापा ने तो जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जैसे उन्होंने कोई गलती ना की हो। और मैं उन्हें बोलने जाता हूँ तो सब मुझे ही चुप करा देते। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में वो गलत कर रहे हैं ना? तुम कौन हो? वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए ना? उन्हें रोकने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? हम मिलके उन्हें रोकेंगे।